दोस्तों नमस्कार, यूसुफ सचिव प्राजन में आपका स्वागत। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों देखना होगा, देखा होगा आपने जिस तरीके हम आपको सारी क्लासेज जो है धुराधार बैटिंग करवा रहे हैं आपको, आप इस तरीके करते रहिए और जीरो लेवल से हीरो लेवल तक लेके जाते हैं और सारी चीज़ें। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप पढ़ते होंगे तो, अगर नहीं पढ़े होंगे, अगर नए मतलब स्टूडेंट होंगे तो आप पढ़िए, पिछला क्लास सब कीजिए, उसके साथ साथ करते करते आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये ट्रिकी मैथ है। और हम हर क्लास के पहले ही जो है आपको थोड़ा सा बेसिक बताने का प्रयास करता हूँ, और बेसिक आप जानेंगे तभी आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ फिर चीज़ें आपको कंटिन्यू सारी चीज़ें लगेंगी जो है, और लेकिन साथ साथ करना होगा। मैं जो है आपको ज़ीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक ले जाता हूँ, इतना जान लीजिए, और इसीलिए साथ साथ जो है आपको करना है। और आपने देखा होगा कि आपको अगर समझ में आता है कि वैकेंसी नहीं है, पढ़ना क्या है, लेकिन दोस्तों आप सुपर टेट इतना आसान नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। पहले आप अपने सिलेबस को कवर कीजिए, और कवर करने के लिए आपको पहले एक बार दो बार पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने को स्पीड बढ़ाइए। एक कंपटीशन है टेट तो आपके पास हो जाएंगे, लेकिन सुपर टेट में आपको कंपटीशन में आना है, आपको सलेक्शन पाना है, आपको कट ऑफ पार करने पर 90-97 कट ऑफ पाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि टेट में 82 पा गए, 90 पा गए तो आपका जो है पास हो गए, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। आपको सुपर टेट में 90-97 लाना है, और 90-97 मतलब कटाव पार करके इसके बाद मेरिट बनाना है, और मेरिट को हमको 80 पर मान लीजिए 75% से 80% रिजल्ट को ले जाना, तब हमारा आप सिलेक्शन होगा। इसके साथ साथ आप एक बार जब सिलेबस को कवर करेंगे तब जाके आपको जो है ये सारी चीज़ें आपको जो है ये 80% रिजल्ट ले जाएंगे, और अच्छा करेंगे तो आप 85% आप कर ले जाएंगे किसी भी भर्ती में। इतने पे आपका सिलेक्शन होगा, इतने पे सिलेक्शन, अगर धाधली नहीं होती है तो इतने पे होगा, अगर धाधली होती है तो इतने पे आपका सिलेक्शन होगा, इतना आप जानिए। क्योंकि और एक अगर मन में आकर चलता होगा कि भर्ती नहीं आएगी, इसके साथ साथ हमको अभी बहुत समय है, लेकिन अगर भर्ती आती भी है और तो आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको साथ साथ देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम आपको बताएं, अगर लगता है कि बेसिक में जो है नए शिक्षा मंत्री जी बने हैं जो है, तो अब नहीं आएगा जो है, भर्ती नहीं आएगी, लेकिन आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये सर्किल है, हमारा सर्किल चलता है। बस इसके साथ साथ समय के अनुसार इसको अपडेट करते हैं और बढ़ते चले जाते हैं, कंपटीशन बढ़ते चले जाता है। पहले कंपटीशन इतना था, लेकिन हम जब स्पीड को बढ़ाएंगे तो कंपटीशन को क्रैक करके हमारा सिलेक्शन यहाँ हो जाना है, समझ आनी है। और टारगेट यहाँ ले जाना सिलेक्शन की तरफ, लेकिन इसके साथ साथ हम इतने बड़े हैं, इतने से इतना, लेकिन हमारे मतलब करने का मतलब हमें अपडेट करना, आगे ले जाना है, और भर्ती तो आना तय है, बस समय लगेगा, क्योंकि प्राइमरी स्कूल है तो बच्चे हैं तो टीचर हैं, और टीचर रिटायर्ड होंगे तो नया भर्ती हो गई, लेकिन समय लगेगा दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ आपको सिलेबस को कवर करना है, और मैथ एक ऐसा चीज़ है, अगर 20 नंबर आपका अगर सुपर टेट में होता है, 20 नंबर आपका सुपर टेट में होता है, तो जान लीजिए, सॉरी 20 नंबर अगर सुपर टेट में आता है तो अगर 18 नंबर आप कर ले जा रहे हैं तो आप 18 नंबर कंपटीशन में सबसे आगे होंगे और आपका सिलेक्शन होगा। अगर नहीं आता है और 18 क्वेश्चन करने के लिए आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, और अगर यही 18 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप मतलब पढ़े हैं प्रैक्टिस नहीं किए हैं और नहीं पढ़े हैं, तो आप तुक्का मारेंगे तो बहुत उसके 4-5 सही होगा, 4-5-6 कोई मतलब सबका सही हो, तुक्का मारते हैं। अगर आप पढ़े भी हैं प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो 10-15 ले जाएंगे, 10-15 करने के लिए आपको कम से कम 30 मिनट लगेंगे, आधे घंटे का समय जाएगा। अब यही अगर आप प्रैक्टिस किए तो 10 मिनट में आप कर ले जाएंगे 18 नंबर। 20 नंबर का मैं दावा नहीं करता हूँ, क्योंकि जो है 10% मतलब 20 नंबर का 10%
ये चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं कि कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेता है, और कभी कभी आयोग तो एक दो नंबर तो आयोग ही गड़बड़ का। आपने देखा होगा पिछले टेट के पेपर में जो है कई तरीके की बात होती थी, इस तरीके से है। लेकिन आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, साथ साथ दोस्तों आप निगेटिव थिंकिंग मत लाइए। इसके साथ साथ मैं आगे पढ़ा रहा हूँ और पढ़ते रहिए कि आपको लगता है कि वैकेंसी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप समय के अनुसार अपडेट होते रहिए लगातार। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको निरंतरता बनाना है और स्वार्थी बनना है। आप ये चीज़ें मत लाइएगा क्योंकि देखिए कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, और शिक्षा का एक कंपटीशन क्षेत्र है, तो आपको स्वार्थी होना स्वार्थी बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर स्वार्थी आप नहीं बनेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। इसके साथ साथ मैं इतना कह रहा हूँ, और स्वार्थी बनने का मतलब ये है एक कंपटीशन है आपके साथ, दो चार लोग बैठ रहे हैं, अगर आप समाज सेवा यहाँ करेंगे, 10 क्वेश्चन आप भी किरें, 10 टेस्ट को भी बता दिए, तो दोनों में अंतर क्या रहेगा। लेकिन अगर अगला पूछ रहा है आप नहीं बताते हैं तो आप स्वार्थी कहलाएंगे कि अपना स्वार्थ। लेकिन ये आप अपने भविष्य के लिए सुन रहे हैं, आप इतना जानिए स्वार्थी बनना पड़ेगा। इसके साथ साथ अब आपने कंपटीशन को क्रैक करना है और टारगेट को बनाना है। आप ये मेरा जो चैनल यूज सकते प्रयागराज है, इस जितने भी लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहिए, और सभी लोग पढ़िएगा, बताइएगा सर क्लास कैसी लगेगी। मैं तो हर चीज़ जो जीरो लेवल से बताता हूँ, आपने देखा होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छे तरह से डिफाइन करता हूँ। अगर कहीं भी कमी लगती है कि सरकार सर जो है कि आप जो है डिफाइन करने में कर यहाँ आप नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल पर जाके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा जो है वीडियो के, तो यहाँ पर देखिएगा टेलीग्राम का जो है लिंक रखा हो, इसी पर क्लिक करके और ग्रुप में ऐड हो जाइए। साथ साथ क्लास में कमेंट में बताइए कि हाँ सर हमें जहाँ समझ में नहीं आ रहा बताइए, और नहीं तो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, बता रहा हूँ। और एक एक चीज़ में छोटा से लेकर बड़े चीज़ें, जिनको आता है इनके लिए तो बहुत लगता होगा कि सर बहुत सरल बता रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं आता है मुझे जीरो लेवल ले जाना है। बस हमको मेरा पर्पज़ है सिखाना और आपको सिलेक्शन दिलाना। इसके साथ साथ आपको